हमारे साथ हैं महाराष्ट्र के रामटेक से शिवसेना सांसद कृपाल तुमाने। सर, एंटीलिया केस इस टाइम सुर्खियों में है और एक पुलिस अधिकारी हैं सचिन वाझे, उनको NIA ने गिरफ्तार किया है, तो क्या ऐसा आपको लगता है कि केंद्र और राज्य सरकार में महाराष्ट्र की पुलिस पिस रही है? नहीं, इसमें पुलिस का जो काम है, आप सभी जने जानते हैं कि मुंबई की जो पुलिस है ये देश में और दुनिया में, स्कॉटलैंड पुलिस के बाद में दुनिया में हमारे मुंबई पुलिस का नंबर लगता है, और NIA वो बाकी वो सभी जने अपना काम करते रहेंगे, लेकिन हमारी मुंबई की पुलिस सबसे अच्छी है। वो जांच जो कर रहे हैं वो जांच बहुत अच्छी तरह से होगी, और जो गुनहगार होगा उसको शिक्षा देने का काम आदरणीय उद्धव जी ठाकरे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की सरकार करेगी। सर, सचिन वाझे जी की गिरफ्तारी सही है या गलत? उसके बारे में अभी जो जांच चल रही है, जांच में जो कुछ पता होगा, अगर गलत होगा तो सही होंगी, नहीं गलत होंगे तो गलत होंगी। महाराष्ट्र में कोरोना का फैलाव एक बार फिर से हो रहा है सर, इसमें जनता की लापरवाही है या फिर सरकार की कुछ खामी है? नहीं, देखिए, जनता की लापरवाही है इसमें कोई संदेह नहीं है। सरकार कोई हर आदमी के पीछे तो रह नहीं सकती है जी। जो तीन बातें, डिस्टेंस रखिए, हाथ धोइए, मास्क लगाइए, लेकिन सब लोग कोरोना भूल गए, और भूलने का थोड़ा बहुत कारण भी ऐसा है कि हमारे देश की जो बिलो पॉवर्टी लाइन की जो बात है, जो गरीब लोग हैं उनको काम किए बगैर, काम करेंगे नहीं, धंधा करेंगे नहीं तो उनका भी रोजगार चलेंगे, उनका पेट कौन पालेगा, और पेट के साथ साथ में सबको उनका अपना संसार भी अगर चलाना है तो उनको भी मार्केट में आना पड़ता है। लेकिन लोग जिस तरह से जो तीन बातों का ध्यान, हाथ धोना या मास्क लगाना, ये भी कर ले, क्योंकि हमने देखा है कि बीच में जो शादियां चालू हो गई थी, एक एक शादी में 5,000-5,000, 3,000-3,000 लोगों का जमावड़ा एक साथ होने लगा, इससे तो आप तो इनविटेशन दे रहे हैं कोरोना को कि आइए हमारे साथ चलिए। लोगों ने ये बात का थोड़ा सा समझदारी से लेना चाहिए, तीन मुद्दों पर सावधानी बरतनी चाहिए, जमे तक घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। सरकार किसी भी आदमी के पीछे कोई सरकार एक के पीछे नहीं रह सकती है, हमको सबको लेके साथ करना पड़ता है। जनता के विमुख प्रयास हमारे महाराष्ट्र में चल रहे, आदर उद्धव जी के नेतृत्व में जिस तरह से काम इस महाराष्ट्र में हुआ, ये पूरे देश में इतना अच्छा काम नहीं हुआ है, और महाराष्ट्र की सरकार ही कोरोना से बहुत अच्छी तरह से लड़ रही है। जनता को न्याय देने का काम, जनता को अनाज देने का काम, जनता की तकलीफें दूर करने का काम आदरणीय उद्धव जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में। सर, हाल ही में बजट पेश हुआ है, तो आपको क्या लगता है ये चुनावी बजट है? महाराष्ट्र में इस बजट में कुछ था या नहीं? महाराष्ट्र का बजट बहुत अच्छा था, किसानों को हम बिना ब्याज से हम कर्जा दे रहे हैं। आज किसानों की हालत देख के किसानों के लिए अगर बिन ब्याजी कर्जा दिया जाता है तो इससे ज़्यादा कोई अच्छी बात नहीं हो सकती है। और भी बहुत सारे सुविधाएँ जो देने का काम महाराष्ट्र के बजट का सबसे अच्छा बजट आदरणीय उद्धव जी के नेतृत्व में इस साल हुआ। सर, केंद्र की तरफ से जारी बजट की बात कर रहा था मैं, असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, इनके लिए बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, पर महाराष्ट्र के लिए ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया, आप क्या कहेंगे? नहीं, आपने देखा होगा जो केंद्र का बजट था, ये तो केवल 5 राज्यों को देखकर ही, 5 राज्यों का बजट करके इसको गिना था। ये 5 राज्यों का बजट का जुमला बजट था, केवल घोषणाएँ करने का कुछ नहीं, और मूर्ख बनाने का काम इस बजट में किया गया। इतना होपलेस बजट शायद ही इसके पहले कोई हुआ होगा।